अस्सलाम वालेकुम। जमजम पुलाव रेसिपी 2 यानी कि सीज़न 2 बिरयानी की रेसिपी मैं बहुत पहले शेयर कर चुकी हूँ। सेकंड सीज़न है इसका पुलाव की, तो देखते हैं कैसे तैयार हो गया, क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल हैं। मटन पुलाव में शामिल है मटन पुलाव, गोला कबाब, सीख कबाब, नरगिसी कोफ्ते, मटर फ्राइड चॉप और फ्राइड पोटैटोज। तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें कैसे दरकार होंगी देखते हैं। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर हिट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग विद अनिल। आप सब कैसे हैं, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मटन है मेरे पास 500 ग्राम्स विद बोन्स, इसके साथ इसे बॉईल करना है। तो इसमें हम डालेंगे 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज, छोटे साइज़ के 2 प्याज दरमियानी, इसके साथ 10 से 15 अदद हरी मिर्चें वो इसमें शामिल कर दी हैं। अब जाएंगे इसमें थोड़े से खड़े मसाले या फिर साबित गरम मसाला, तेज़पत्ता ये हमने 2 अदद इसमें शामिल किया है, काली इलायची 2 अदद और इसके साथ हरी इलायची है 3 अदद, और इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 1 छोटा चम्मच काली मिर्च। उर्दू में इसलिए बोल रही हूँ बिल्कुल ज़्यादा कि लोगों को अक्सर स्पाइसेस नेम जो है वो इंग्लिश में नहीं पता, तो लिहाजा मैं उर्दू में बता रही हूँ। ये लौंग है 3 से 4 अदद, दालचीनी है 2 से 3 अदद टुकड़े छोटे, काला ज़ीरा और सफ़ेद ज़ीरा, ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल करने के बाद इसमें हम शामिल कर देंगे थोड़ा सा नमक अपने टेस्ट के हिसाब से या 1 टेबल स्पून, जिंजर गार्लिक पेस्ट, अदरक लहसुन पिसा हुआ 2 बड़े चमचे, और इसके साथ पानी, यखनी के लिए पानी थोड़ा ज़्यादा डालिएगा। इसके बाद इसे 30 मिनट तक हम दरमियानी आंच पर पकने के लिए रख देंगे। आ जाते हैं चाप को बॉईल करने की तरफ। तो चापों को मैरिनेट करने से पहले इसे बॉईल करना है। इसमें हम डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, अदरक लहसुन थोड़ा सा गरम मसाला और 1 छोटे साइज़ की प्याज। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद इसमें डालेंगे नमक हसब ज़ायका या 1/2 टीस्पून, आधा छोटा चम्मच। इसके बाद हम डालेंगे 1 गिलास के करीब पानी और इसे करेंगे अच्छे से मिक्स, और कवर करके मीडियम आंच पर या मीडियम लो फ्लेम पर हम 20 मिनट कुक करेंगे। अच्छे से थोड़ा सा मिक्स कर लीजिएगा ताकि तमाम स्पाइसेस इसके अंदर मिक्स हो जाएं, और असल मकसद इसे गलाना नहीं, इसकी स्मेल निकालना है। आ जाते हैं चापों की मैरिनेशन की तरफ। तो इसका मैरिनेशन तैयार करने के लिए नमक, चाट मसाला क्वान्टिटी आप देख लीजिएगा। इसके बाद हम इसमें डालेंगे धनिया ज़ीरा भुना हुआ कुटा हुआ, कुटी हुई लाल मिर्चें, इसके साथ हम डालेंगे जर्दे का रंग 1 चुटकी। इसके बाद हम इसमें डालेंगे दही और सिरका 1 टेबलस्पून और दही 2 टेबलस्पून, कॉर्नफ्लावर 2 चमचे बड़े वाले, अदरक लहसुन 1 टीस्पून। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसे हम एक साइड पे कर देंगे। याद रहे कि ये रेसिपी मैं आपको पहले भी शेयर कर चुकी हूँ लेकिन वो थोड़ी डिफरेंट थी, तो अगर आप नए हैं और आपने नहीं देखी है तो लिंक में आई बटन में दे दूंगी, ज़रूर देखिएगा। साथ साथ हमारी चॉप्स तैयार हो चुकी हैं। इसका पानी अब हमें सुखाना है, ड्राई करना है, हाई फ्लेम करेंगे और इसे अच्छे से खुश कर लेंगे, और इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लीजिए। ठंडा करने के बाद ये जो मैरिनेशन हमने तैयार किया था इस मसाले के अंदर, इसे मैरिनेट करके आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं, या ये तमाम प्रिपरेशन जो मैं आपको बता रही हूँ वो तमाम चीज़ें आप 1 से 2 दिन पहले बनाकर रख सकते हैं। तो लिहाजा ये चीज़ हमारी रेडी हो गई, इसे करते हैं हम साइड पे। आ जाते हैं हम हमारी सेकंड स्टेप की तरफ, जिसमें है सेकंड स्टेप या थर्ड स्टेप है गोला कबाब। गोला कबाब को बनाने के लिए सबसे पहले जो चाहिए हरा मसाला, इसमें हरी मिर्चें, हरा धनिया, प्याज, अदरक और अदरक लहसुन, ये दोनों चीज़ें शामिल हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना ये इस तरह से मैंने रखी है, इसे बिल्कुल चॉपर में चॉप कर लेना है। और ये है मेरे पास मटन या बीफ मिंस 500 ग्राम, वो हमने बारीक मशीन से 2 बार निकाला है, इसे चॉपर में नहीं पीसेगा, इसे हमने चॉपर कर लिया है मसाले को। कीमा हमारा बारीक मशीन का पिसा हुआ है, चॉपर में नहीं। इसमें डालेंगे धनिया ज़ीरा भुना हुआ कुटा हुआ, कचरी पाउडर 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से या 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून और इसके साथ कश्मीरी लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, जिंजर पाउडर 1 टीस्पून, बेकिंग सोडा 1 टीस्पून, इसके साथ ये ऑल स्पाइस यानी कि कबाब चीनी है 2 चुटकी से 3 चुटकी, अदरक, और ये इसके साथ हमने इसमें डाला है घी 1 टेबलस्पून, और ये हरा मसाला जो हमने पीस के रखा था वो इसमें शामिल कर दिया है। तो इसके बाद इसे तमाम चीज़ों को अच्छे से हमें मिक्स करना है, इतनी देर तक मिक्स करना है कि कीमा जब हम मशीन से निकालते हैं तो उसका दाना दाना सा जो होता है ना वो एकदम रेशेदार बन जाए, अच्छा सा इसमें जाल सा तैयार हो जाए, इतना हमें इसे मिक्स करना है हाथों की मदद से। याद रहे कि जब तक चीज़ अच्छे से मिक्स नहीं होंगी तो हमारे कबाब भी अच्छे से नहीं जुड़ेंगे और टूट जाएंगे। इसमें मैंने बैटिंग के लिए कोई एजेंट ऐसा शामिल नहीं किया है, ये देखें, तो लिहाजा मैं आपको दिखाऊंगी कि ये बिल्कुल अच्छे बनेंगे। इसे कवर करके एक साइड पर रख दीजिए। आ जाते हैं 4th स्टेप, नरगिसी कोफ्ता, जिसके लिए हमें चाहिए बीफ या मटन का 1/2 kg कीमा। इसमें हमने डाला है लाल मिर्चों का पाउडर, ये है कश्मीरी लाल मिर्च पिसी हुई, इसके साथ हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे धनिया ज़ीरा भुना हुआ कुटा हुआ, नमक अपने जायके के हिसाब से या 1 टेबल स्पून, ब्लैक पेपर 1/4, गरम मसाला 1/4
और इसके साथ ये भुने हुए चनों का पाउडर और ये हरा मसाला जो मैंने पहले आपको बताया था, ये वही मसाला है। इसमें डालेंगे 4 टेबलस्पून ये वाला मसाला। इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स करने का मतलब है कि बिल्कुल जैसे हमने सीख गोला कबाब का मसाला मिक्स किया था वैसे ही इसे मिक्स करना है और इसे भी ओवरनाइट रख देना। अगर आपको लगता है कि आपके कोफ्ते टूटते हैं तो आप इसमें 1 से 2 चुटकी ये सुहागा है इसे पीस के शामिल कर दीजिए। इंशाल्लाह आपके कबाब कोफ्ते कभी भी नहीं टूटेंगे। बहरहाल मैंने तो इसमें शामिल नहीं किया था और ना ही मेरे कबाब या कोफ्ते टूटे थे। तो आते हैं गोला कबाब को बनाने की बारी आती है। तो गोला कबाब मैंने एक सीख ले ली है। इसी तरह से सीख लेके इसको हाथों को अच्छे से पानी लगा के गीला कर लीजिए और सीख भी अच्छे से गीली कर लीजिएगा पानी से। इसके बाद इसे हाथों में अच्छे से बाइंड कीजिएगा। फिर इसे हम अच्छे से सीख में इस तरह से लगाएंगे और इसे बिल्कुल गोला कबाब की शेप दे देंगे। याद रहे कि इसका जो ऊपर एंटर का पॉइंट और एंड का पॉइंट जो होता है ना, जहाँ से हम एंटर करते हैं और उसका एंड का पॉइंट, वो सील अच्छे से कीजिएगा ताकि हमारे जो गोला कबाब अब अच्छे से कंप्लीट से सील हो जाए, बीच में टूटे ना, क्रैक ना आए। इस तरह से कवर करके ये देखें। आप इसे इस स्टेज पर बना के सारे रखते जाएँ। एक रात पहले बना के ये तमाम चीज़ें आप रख सकते हैं। एक दिन पहले भी आप प्रिपरेशन करके रख सकते हैं। इस रेसिपी में आपको 3 से 4 अदद रेसिपी बिल्कुल मिल चुकी है और यही सीख गोला कबाब का मसाला था। इसको सीख कबाब की तरह से कैसे बनाना है ये भी देख लेते हैं। और इसका तरीका चूल्हे पे सेकने का भी मैं आपको बता दूंगी कि अगर चारकोल वाला सेटअप आपके पास ना लगा हुआ हो और आप अगर इस तरह से बनाना चाहते हैं तो इस तरह से ये सीख कबाब को इस पानी के हाथ लगा के इस तरह से इसको सीख कबाब का शेप दे दें। और इसके बाद इस तरह से ये देखें गैस के ऊपर इस तरह से, अगर आपने ये सिर्फ सीख कबाब सर्व करने हैं तो लो मीडियम फ्लेम पे इसको सेकिएगा। मुझे इसे दोबारा से कुक करना है, लिहाजा मैं हाई फ्लेम पे सिर्फ इसके अंदर ये देखें बर्न मार्क जो आते हैं ना वो देना चाह रही थी। मैंने सिर्फ वही किया है, इसे इतनी देर कुक किया है कि इसके ऊपर बर्न मार्क आ जाए, अच्छे से ये ब्राउन कलर आ जाए। इसके बाद इसे हम दम पे भी कुक करेंगे, लिहाजा मैंने इसे कंप्लीट कुक नहीं किया। निकालने का तरीका ये है कि एक बार फिर आप देख लीजिएगा रिवर्स करके कि इसे एक दफ़ा पीछे कीजिएगा और फिर आगे की तरफ से इसे पुश करके आराम से निकाल लीजिए। और ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। इस स्टेज पर आप इस तरह से फ्लेम के ऊपर कुक करके आप इसे फ्रीज़र भी कर सकते हैं 10 से 15 दिन तक। अब आ जाते हैं नरगिसी कोफ्तों की बारी की तरफ। तो नरगिसी कोफ्तों का मसाला हमने इस तरह हाथ पे अच्छे से हाथ गीले करके फैला दिए थे। इसके बाद ये अंडा हमने लिया था, बॉईल करके रखा हुआ था अंडा, वो इसके ऊपर कवर कर दिया है। अच्छे से चारों तरफ से इसे कवर करना है, दबा के गीले हाथ लगा के इसे कवर कीजिएगा। इंशाल्लाह बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। ये चीज़ें आप बना के एक दिन पहले रख सकते हैं। और याद रहे कि मैं एक रेसिपी के साथ आपको 4 से 5 अदद रेसिपी आपको दे रही हूँ, लिहाजा रेसिपी कंप्लीट देखिएगा। ये पुलाव बहुत ज़्यादा मज़ेदार और सतरंगी बना था तो लिहाजा बहुत ही अच्छा था। थोड़ी सी मेहनत है लेकिन चीज़ बहुत अच्छी बनेगी। और बकरीद के दिन में तो लोग इतनी ज़्यादा दावतें करते हैं तो इस तरह की रेसिपी बनाएं, इंशाल्लाह मेहमान भी खुश हो जाएंगे। तो बस इसे अब हम फ्राई करेंगे नरगिसी कोफ्तों को बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पे अच्छे से। और इस तरह से थोड़ा सा बस एहतियात के साथ इसे पलटे रहिए, आहिस्ता आहिस्ता से इसे टर्न कीजिएगा ताकि ये टूट ना जाए। लेकिन वैसे ये इसमें मैंने चने का आटा शामिल किया था, इसके अलावा और कोई बैटी गैजेट मैंने शामिल नहीं किया था। अच्छा, इसमें अगर आप मीठा सोडा डाल देंगे तो आपके कोफ्ते बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बनेंगे, चाहे वो शामिल वो गोला कबाब हो सीख कबाब हो। अगर 1 से 2 चुटकी आप अगर उसमें जो पकौड़ों का सोडा आता है वो अगर आप शामिल कर दें तो आपके कबाब कभी भी ड्राई नहीं होंगे। इसी ऑयल में मैंने ये वेजेस की तरह से पोटैटोस कट करके रखे हुए थे वो मैंने फ्राई कर लिए हैं। इसे हमें ओवर कुक नहीं करना है, इसे हमें सिर्फ थोड़ा सा कलर देना है और हाफ डन कुक करना है, हाफ डन कुक करना है। इस ऑयल के अंदर अच्छा सा कोफ्तों के मसालों का फ्लेवर था तो लिहाजा इसी ऑयल के अंदर ये इस तरह से कुक हो जाएंगे। इसमें से हाफ मैंने अलग करके रख लिए थे और हाफ को हम आगे याद चल के यूज़ करेंगे। तो चलिए देखते हैं, अब आते हैं पुलाव की बारी की तरफ। तो पुलाव के लिए गोश्त हमारा बॉयल हो चुका था, वो मैंने सेपरेट कर लिया था। इसके बाद घी गर्म करेंगे, उसमें बे लीव्स तेज़पत्ता हम इसमें शामिल कर देंगे और ये कुछ साबित गर्म मसाले दालचीनी लौंग स्याह ज़ीरा सफ़ेद ज़ीरा काली मिर्च बड़ी इलायची और छोटी इलायची इसे क्रैक कर लेंगे। इसके बाद ये जो बॉयल हमारे पास मटन था वो हमने इसमें शामिल कर दिया है। वो शामिल करने के बाद 2 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर स्लाइस कटिंग थे वो इसमें शामिल कर देंगे। इसे अच्छे से थोड़ा सा मिक्स करेंगे। याद है कि गोश्त को मैंने बिल्कुल 100% कुक नहीं किया था, इसे मैंने 80% कुक किया है। इसमें अब हम डाल देंगे अदरक लहसुन पिसा हुआ, 2 बड़े चमचे मैंने इसमें शामिल किया है। इसके साथ इसकी भुनाई करेंगे। और ये देखिए मेरी प्याज जिसकी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी, ये मैंने 2 दिन के बाद इसे यूज़ किया था तब भी ये इतनी क्रिस्पी और बिल्कुल फ्रेश नज़र आ रही है, लिहाजा वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अनियन फ्राइड रेसिपी
तो उस तरीके से अगर आप फ्राई करेंगे उस प्याज में कोई बटर पेपर या कोई शीट लगा के रखने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने जायफल, जावित्री और बादियान का पाउडर था वो इसमें शामिल किया है, कुटी हुई लाल मिर्च, गरम मसाला, सौंफ का पाउडर और धनिया जीरा भुना हुआ कुटा हुआ, ये चार मसाले हैं वो इसमें हम ऐड कर देंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और एक से दो मिनट इसे थोड़ा सा भून लेंगे। इसके बाद अब हम इसमें शामिल कर देंगे हरी मिर्चों का पेस्ट, जो अभी आगे चल के आपको नज़र आएगा। ये मैंने 4 से 5 टेबलस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट इसमें शामिल किया है और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और भून लेंगे। थोड़ी देर तक भूनना है, 4 से 5 मिनट बस। इसके बाद इसमें ड्राई आलू बुखारे थे वो मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं और जो आलू मैंने फ्राई करके रखे थे हाफ पोटैटोज़ में इसमें ऑयल समेत शामिल कर दूँगी। ये देखें, इसका सारा ऑयल भी मैंने इसमें शामिल कर दिया क्योंकि ये ऑयल हमारे जो कोफ्ते फ्राई किए थे उसके बिल्कुल फ्लेवरफुल ऑयल था, तो वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। 2 मिनट इसे मैंने कवर करके कुक किया। उसके बाद ये जो हमने यखनी तैयार की थी बीफ मटन की, वो हमने इसमें शामिल कर दी है। और अब आते हैं गोला कबाब की तरफ। जब तक पानी बॉयल हो रहा है हमारा, हम गोला कबाब को शैलो फ्राई कर लेते हैं। इसे ओवर कुक नहीं करना है, सिंपली सिर्फ कलर आने तक इसे हमें कुक करना है। जितनी देर हमें इसमें कलर आएगा उतनी देर तक पुलाव की जो यखनी का पानी था उसमें अच्छे से बॉयल आ जाएगा। लिहाजा आप अगर बनाना चाहते हैं सिर्फ गोला कबाब और सर्व करने के लिए, तो इसे मीडियम लो फ्लेम पे अच्छे से शैलो फ्राई कीजिएगा। एक साइड से 2-3 मिनट और एक साइड से 2-3 मिनट टर्न बाय टर्न करते रहिएगा। बहुत ज़्यादा देर तक कुक नहीं कीजिएगा वरना ड्राई हो जाएंगे, इसलिए आप इसे थोड़ी ही देर कुक कीजिएगा। बस मुझे इसको चावलों के साथ दम पर कुक करना था, लिहाजा मैंने इसे सिर्फ कलर आने तक ही कुक किया है थोड़ी सी हाई फ्लेम के ऊपर, ताकि ये अच्छे से कलर आ जाए और उसके बाद हम इसे आगे कुक करेंगे। तो चलिए, ये हमारे गोला कबाब तैयार हो चुके हैं। गोला कबाब तैयार करने के बाद अब हम इसे अलग प्लेट में निकाल लेंगे, सिर्फ कलर आने तक फ्राई करना है, इससे ज़्यादा हमें कुक नहीं करना है। और ये देखें, मैंने भी इसमें कोई चीज़ नहीं शामिल की थी कि इसको अच्छे से बाइंड करना पड़े, ये बिल्कुल अच्छे से बाइंड हो चुके हैं बिना किसी बाइंडिंग के, किसी चीज़ के डाले बगैर, और ये बहुत ही सॉफ्ट और जूसी तैयार हुए थे। अब आते हैं आगे के स्टेप पर, जिसमें है जो चांपें जो हमने मैरिनेट करके रखी हुई थी उसे हम शैलो फ्राई करेंगे। इस पर भी हमें कलर देना है क्योंकि ये हमारी तकरीबन कुक हैं, हमने इसे बॉयल कर लिया था। अब इसे मसाले के साथ सिर्फ कलर आने तक इसे कुक करना है और इसके बाद का स्टेप हम आगे चल के बताते हैं। तो याद रहे कि जमजम बिरयानी की रेसिपी मैंने अपनी सबसे पहली वीडियो जो थी ना, वो जमजम बिरयानी की इस चैनल पे अपलोड की थी, उसे भी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया था। अगर आप लोग नए हो और आपको ना पता हो तो मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में दे दूँगी, देख लीजिएगा। जब तक चॉप हमारी फ्राई हो रही थी तो इस पानी में अच्छे से बॉयल आ चुका था। मैंने इसमें 2 घंटे पहले चावल बॉयल करके रखे हुए थे, बासमती राइस थे ये, सेलर राइस नहीं यूज़ किए हैं। सेलर राइस मैं अक्सर बिरयानी में यूज़ करती हूँ, पुलाव में नहीं, लिहाजा वो इसमें शामिल कर दिए हैं। और नमक मैंने इसमें पहले ऐड कर दिया था, बीच में आप चेक कर लीजिएगा, अगर कम लगे तो ऐड कर सकते हैं। जब तक इसको दम आने का टाइम आता है, ये देखें राइस हमारे अच्छे से कुक हो चुके हैं, सिर्फ 90% कच्चे हैं। जो आधे आलू मैंने बचाए थे वो मैंने इसके ऊपर डाल दिए हैं, एक टमाटर इस तरह से स्लाइस कटिंग और थोड़ा सा धनिया पुदीना इसके ऊपर शामिल किया है। फूड कलर अगर ऑप्शन है आपको डालना है, कलर थोड़ा अच्छा लगता है, ब्राइट लगता है, लिहाजा इस पर डाल सकते हैं। मैंने इसमें ब्राइटनेस की वजह से कलर डाला। इसके साथ हमने नरगिसी कोफ्ते, इसके साथ ही हमने गोला कबाब और साथ साथ हमने इसमें ये जो चॉप्स हमने फ्राई करके रखी हुई थी वो, और इसके ऊपर थोड़ा सा जो ऑयल था चॉपों के फ्राई पैन का वो हमने ऐड किया है। ये सीख कबाब हमने इसके ऊपर रख दिए हैं। ये तमाम चीज़ें रखने के बाद थोड़ा सा हम फूड कलर शामिल कर देंगे इसके ऊपर, इसे कवर करेंगे और 15 से 20 मिनट तक हम इसे दम पर रख देंगे। 15 से 20 मिनट के बाद 5 मिनट हम वैसे ही इसे कूल डाउन होने देंगे और उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। ये देखिए, इस सतरंगी बिरयानी का जब पर्दा उठाना तो बहुत ही खूबसूरत इसकी शक्ल, इसका लुक बहुत खूबसूरत था और इसकी बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही थी। अब इसे सर्व करने का तरीका ये है कि पहले आप तमाम चीज़ों को एक अलग प्लेटर में अलग से रख लीजिए ताकि तमाम चीज़ें अलहदा हो जाएं। उसके बाद अब राइस निकालिएगा आराम से, इसे बिल्कुल तहमुल के साथ तमाम चीज़ों को एक साइड से अब राइस बस खाली कर लीजिए। ये देखें, मैंने एक साइड से ये चीज़ें निकाल के अपने राइस की जगह बना ली थी। अब इन राइस को आप एक प्लेट में सर्व कीजिएगा। बिल्कुल राइस हमारे अच्छे से कुक हुए हैं, खिले हुए, एक एक दाना अच्छे से कुक हो चुका था। इस तरह से बनाइए बहुत, और मसाले बहुत हल्के रखिएगा ताकि तमाम चीज़ों के जब मसाले मिक्स होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा स्पाइस हो जाता है, लिहाजा राइस आप हमेशा थोड़ा सा हल्के मसाले का बनाइए। इससे ज़्यादा तेज़ मसाले रखेंगे तो तमाम चीज़ें मिक्स होने के बाद बहुत ज़्यादा हाई हो जाती हैं। तो अब इन तमाम चीज़ों को ये देखें, इस तरह से आप इस प्लेटर के ऊपर सर्व कीजिए। जैसे होटल्स में, रेस्टोरेंट में इस तरह से सर्व किया जाता है वैसे ही आप सर्व कीजिए।
इसके साथ मैंने जैसे मंदी की एक चटनी तैयार करते हैं वो चटनी थी और हरा रायता इसके साथ सर्व किया था। तो उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको समझ आ गई होगी। स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा, तमाम स्टेप्स को किसी स्टेप्स को स्किप मत कीजिएगा। इंशाल्लाह ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। दुआ में याद रखिए। इजाज़त दीजिए कुकिंग विद अनीला। अल्लाह हाफिज़। Share them with you and please subscribe to our channel. Bye.